Welcome to my channel, this is Sam, I'm playing Elden Ring. So I found a shortcut here. So you come to this lake facing cliffs. And you can see you can go down from this place. Oh, holy shit, that was close. Okay. So now we go. Now we go all the go towards artist shack here. And we'll go straight from my short bitch. This place is already discovered, so we go straight again. I know we have already been to this place. So what I am here to find is somewhere smelling stone tree. I need one for my sword upgrade. Cause I feel like I am going to have to see that. अंदर अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है।
So from this artisan shack, can you see I'm in artisan shack, right? You go straight and get down from here and come to this place. Smithing stone 4, I need smithing stone 3. We need to go down that way. थोड़ा आगे से लाइट लेता हूँ, जगह होगा लाइट लेने का। Found a grace point here. Let's use this. Down this way. So like this is the easiest way of getting some stone 3. Stone 4 and more, but yeah, this is probably like the what the fuck was that? Yes, almost 1-3. इसी के लिए तो मैं इतना दूर आया। देखो, almost 1-3 मिल गया। ये किसी भी नहीं, वो वहाँ पे जाना पड़ेगा अपग्रेड के लिए। Let's get this carry on study hall. Who is this guy? Oh, he is going to say the same thing again and again. Oh, we can go up and down. Big study hall. Okay, I'm gonna use the lantern here. Corner, someone will stab me from behind. Better be ready. Okay.
Holy shit! These guys passes. Come on, man. He will come back, definitely will come back, there he is. So, I'll leave you behind. Carrion glimstone stuff. कितना नीचे भागा ये? ये लोग बहुत हरामी होते हैं यार. कहाँ से पीछे से आ जाएंगे? गायब होने का ये पावर ये सही नहीं है. This early in the game. This is an open world game, but still too early for this asshole kind of guy. Something fits in this pedestal.
क्या भाई, व्हाट फिट्स, आई हैव नो आइडिया। फिर से ऊपर चलते हैं। अरे खुश होना चाहिए, इसको सोमवर्स मिलिंग स्टोन 3 मिल गया, फिर भी ये कहाँ कहाँ जा रहा है। सोमवर्स मिलिंग स्टोन को बस यहाँ आने का एक मौका ढूंढ रहा था मैं। क्या यार, हमेशा टाइमिंग मेरा ही कि इस पे से गलत हो जाता है। ये लगता है मैं जब वहाँ से जाने जाता हूँ तब ये पॉज हो जाता है 2 सेकंड के लिए। बनाने का अच्छा मुझे मिला है वो। ये पानी में कूदूंगा तो 100% डेथ। फिर से ऊपर चलता हूँ, कुछ तो छूटा है भाई, जो ये नीचे वाले पैडल चलने लगेगा या फिर ऐसे कुछ है। तो रोड बनगा तो भाग गया, भाग गया भाई, तो बता भी नहीं है। That guy is like a shameless motherfucking bitch who has long range attacks, and those were some powerful long range attacks, man. इधर भाग रहा है वो, तभी मैं सोच रहा हूँ कहाँ गया ये। चक्कर लगा भी है
उसको सुनता है वो बस वही है, वही सम्राट है, वही महाराजा है, वही भगवान है। आकार दिखानी पड़ेगी ना, दिखाऊंगा दिखाऊँ मैं एरो यार। झंड का बाल है एरो बहन, लोड़े का पांच लोड़े
उल्टा है यार। क्या गांडू गिरी है यार ये। नहीं ये तो मतलब मेरा ईगो लेके छेड़छाड़ कर रहा है ये। ये वीडियो में तो मैं इसी को मारूंगा फिर गान मारा वीडियो का। चूत वीडियो की मार के चूत गान मारा गया। बस ये मेज बचा हुआ ना इसके आसपास के जो ये सोल्जर्स है इसी के लिए। नहीं तो इसको तो मैं कैसे कैसे मारता है इसको खुद को नहीं पता कैसे कैसे ये मारता है इसको। मैं तो फास्ट स्वॉर्ड लेता हूँ यार। ये बहुत स्लो है डैमेज ज़्यादा होने की वजह से लेता हूँ लेकिन इतना स्लो है ये स्वॉर्ड इतना स्लो है। मेज मेरे को 50,000 बार अटैक कर देता है इसके बीच में जो मैं एक बार अटैक करूं। सुबह सुबह संडे का सुबह खराब कर देता है ये लोग। 25-26 मिनट से मैं इसको मारने का कोशिश कर रहा हूँ। ये चूतिया ये बॉस भी नहीं है ऐसे एक मादकचुत चूतिया है ये। इसको मारने का कोशिश कर रहा हूँ तब से। सबको मारना पड़ेगा यार बहुत वीक है ये साला। इसके एक्स्ट्रा सोल्जर्स है ना ये मादकचोद यही सब है सबसे बड़ा दिक्कत।
पहले इन लोगों को क्लियर करता हूँ, फिर उसकी माँ चौंकता हूँ। Yeah.
आपको ये खाना है आपके साथ सेट दे मैजिक डाउनपुर देता है लोमड़ी का बाल झाट का बाल का औकात नहीं उसका सारा मैनचूत झाट का बाल का औकात नहीं उसका बोला ना मैं तो यहाँ पे आने का मैं दिखा देता हूँ मैं ये केलिम रोइंस में उतरा और वहाँ से थोड़ा आगे आया यहाँ पे एक रून आर्क मिलता है ये रून आर्क ले लेना भाई यहीं पे एक चेस्ट रहेगा यहाँ पे एक क्रो जैसा बॉस भी रहेगा छोटा मोटा क्रो अरे बॉस को बुला मतलब ये लोगों को बुलाना नहीं चाहता था देखते हैं उसको मार सकते हैं थोड़ा डैमेज भी ज्यादा हुआ है मेरे साथ जो आए थे वो गायब एंड गायब फुल गायब
लोग आता है क्यों है भाई फिर? अगर तुमको रहना नहीं है तुम आते क्यों हो? यहाँ तो लगता है ये लोग, और ये सबसे खतरनाक है जिसका आंख लाल होता ना, ऐसे डेमोनिक आइज जैसे वाले कुत्ते वाले बहुत खतरनाक है। इसको मैंने मारा था, बहुत मुश्किल से मारा था जब पहली बार मारा था। ये सब बर्ड इतना ज़्यादा ये नहीं है, हार्ड नहीं है मारना, तो बस चोट से तुम बच कर आना। इसका चोच अटैक होता है, कंटिन्यूस अटैक करता है चोच अटैक में। यहाँ पे ये लोग इतना भीड़ क्यों जमा हुआ है यार? ओ यहाँ पे एक वो है, दिख रहा है? मैं अपना, अरे ये सोच चेंज कर लेता हूँ, इधर ही घूम रहा है। अरे बाप रे, वो उसका साइज देख रहे हो? मैं तो इसको लेने आया था। अरे जाने जाने नहीं दे रहे। किक करके मारना पड़ेगा भाई। अबे मिस हो गया बहन के, इधर देखता हूँ। इतना फास्ट चलता ना ये, घोड़े के स्पीड से भी मैं इसको मैच नहीं कर पाता। इसको तुम बस एंटीसिपेट तो नहीं कर सकते, इसको बस तुम। अरे मिस हो गया फिर से। अरे पैन खेल, और इस बार उस तरफ से। स्पीड बढ़ जाता है, अगर तुम इसका पीछा करे तो। इसको तुम सामने से ही मार सकते हो, इसको पीछे से कभी नहीं छू भी नहीं सकते। साला ये क्या?
गया शो फॉर के लिए इतना मेहनत। अगर मैं यहाँ पे ऊपर लोग क्या गार्ड कर रहे हैं, इतना सिक्योरिटी। इतना सिक्योरिटी किस बात का है? चीज तो बात कर रहे थे ये नहीं हो सकता। अबे अबे चलो दोस्त, सामान तो मिला कुछ, मेरे को लगा था खाली हाथ वापस लौटूंगा। ये अपने आप पे ही गिरा देता है यार। सब ठीक है, इधर तो कुछ होगा इसकी वजह से इतने सारे यहाँ पे। हाँ अंदर है भाई, अगर ये साइड से रास्ता होगा जाने का। किधर है रास्ता भाई? सुना ये रास्ता है, इसको मिलाना पड़ेगा फिर जाके मिलेगा जो भी मिलेगा। जिम करते हुए कूदते हुए गिरा तो कहानी और हो जाएगी कुछ। मैं एक रोना को यहाँ भी मिला था मेरे को। अच्छा यहाँ से सीढ़ी है, देख के जितना खतरनाक लगता है उतना खतरनाक होता नहीं है 90% ऑफ द टाइम। बस देखने के देखने वाला खतरनाक होता है, काटने वाला नहीं आता है वो। अबे फिर से जा रहा था नीचे में, इसको मारे बिना तो नहीं ले सकता ना भाई, इसको मारना पड़ेगा। मजा ले रहा था
मेरे नीचे गिर गया था। मैं अपने घर से रहा था कि साला मेरे से पंगा लिया और इसका कहानी यहीं पर ख़त्म हो गया है। वार्निंग स्टोन, मैं गलती से वहाँ पे एक दबा दिया था। वहाँ पे एक चेस्ट है, से आ गया भाई, कौन से पिछवाड़े से आ गया भाई। ये तो दिमाग खराब कर रखा है इन नाइट्स लोगों ने मेरा। अकेले है जो सब कुछ कर सकते हैं। अबे चोट दूंगा ना, तो चोट, मेरा दिमाग बहुत गर्म है अपने। चोट साला लोड़ी का बाल झाट का औकात नहीं है इन लोगों का, नाइट बन जाते हैं। रास्ता देखो ना बना है, बाप रे बाप, लगता है कि बहन जो आज यहीं से कुछ उखाड़ लेंगे। जनरल राडान, राडान को तो कुत्ते की मौत मानूंगा मैं। स्टार्स का जेल ना, अगर अच्छा कुछ चीज़ नहीं देता ना भाई, मैं बहुत गाली देता सच में, इतना गाली देता ना माँ की आंखों से गाली, ये आंसू आ जाते हैं रडान की माँ की आंखों से। इतना अच्छा अच्छा गाली देता मैं रडान को कि बेटी जब तुम्हारा कुछ काम वाम नहीं है, यही करते रहोगे। ये देखो ये कुछ अलग जगह लेके जाएगा मेरे को। नीचे एक जगह दिखा था, एकदम नीचे था वो, एक बार वो जगह में देख लेता हूँ उसके बाद यहाँ आता हूँ। ऐसी कई सब जगह में कभी भी आ सकता है। गिफ्ट की बात नहीं है, ये देखो इधर से जाने का कोई रास्ता है नहीं है। मेरे इधर फाइट करते करते नीचे गिर गया था। हाँ ये वाला रास्ता की बात कर रहा था मैं। कटार, कटार उठार क्या क्या मिल रहा है भाई, सब कुछ मिल गया यहाँ से। ये गेट खोलने का कुछ नहीं मिला मेरे को, अजीब इत्तेफाक है भाई।
शायद इधर ही कहीं होगा, मुझे दिख नहीं रहा है सब कुछ, तो मतलब ब्लैक एंड व्हाइट है, कलरफुल तो बहुत कम है, और होगा कहीं पे छुपा हुआ। वो देखो वो रहा, उधर से जाना पड़ेगा इसे घूम के। तो वहाँ मैं कैसे पहुँचूँ भाई, वहाँ से कूद के जाना पड़ेगा ना। देखो गिर गया, यहीं पे गिर जा रहा हूँ मैं, वहाँ कैसे पहुँचूंगा। कैमरा एंगल सही होना चाहिए, नहीं तो जम करोगे फिर भी गिरोगे नीचे। नॉर्मल जंप से होगा, होगा नहीं ऐसा नहीं है, ये हो गया नॉर्मल जंप से। गांडू ही होगा जो ऐसे बनाया होगा। देखो अभी मेरे को डबल डबल जाना पड़ेगा, दरवाजा तो मैंने खोल दिया इधर से, ये तो मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊँगा या फिर अगर मैं आऊँगा तब उसके लिए, लेकिन अभी का कोई फायदा नहीं है इससे। दिखता है कहाँ लेके जाता है, वही देखने के लिए तो मैं आया हूँ, अपना मेहनत ऐसे ही कर रहा हूँ भाई। अंडरवर्ल्ड में साला इतना मेहनत कर रहा हूँ तो? दिखता हूँ कौन सा लोकेशन है, लीड अरे ये कहाँ से मार रहा है, टाइमिंग होता ना भाई। मेरा पूरा एफपी खत्म, अंदर ऐसे दो बैठे हुए देख रहे हो, उसको मैंने मारा था जब,
इधर से भी जाने का कोई रास्ता होगा। यहाँ पे हर एक रास्ता घूम घाम के ही बना हुआ, कोई भी रास्ता सीधा नहीं है। इसको देख रहे इससे हमने सिक्स यहाँ पे नीचे बैठे हुए कुछ महारथी कैटापुल्ट होके सोच रहा हूँ कि इधर से मैं तो एक बार नीचे आ गया तो फिर ऊपर जा पाऊंगा। एफपी के लिए नहीं आ रहा है, कूद तो जाऊंगा आराम से। एफपी के लिए नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा काम करके जाता हूँ। ये सब जो है ना नीचे तो पहुंचाऊंगा, लेकिन नीचे जिंदा पहुंचाऊंगा कि नहीं, ये नहीं पता मैं। गया, अरे बहन के चूतों के नाती के लोड़े के बाल के झाट के औलाद के बच्चे के नाना के चूतर के औलाद। ये लोग रास्ता ब्लॉक किया है सर, मेहनत करना पड़ता है सारा कुछ। छुट्टियों की वजह से I would have used a stone sword की यार, पता नहीं अंदर शायद कुछ झाटी मिलेगा।
क्या चाहिए इसके लिए? स्ट्रेंथ 31 चाहिए इसके लिए, इंटेलिजेंस 14 चाहिए। Thank you.
नहीं रहता है, बहुत खतरनाक है उसका रेंज। चलो भाई।